लॉकडाउन के दौरान गरीबों, असहायों, जरूरतमंदों के लिए राशन, भोजन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की निःशुल्क सप्लाई के लिए नेपाल क्लब में जिला प्रशासन द्वारा कम्युनिटी किचन स्थापित की गई है, जिसके तहत पूरे जिले में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सामानों की सप्लाई के लिए करीब 10 ई रिक्शा और कुछ लोडर गाड़ियां लगाई गई हैं। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था का जायजा लेने सोमवार को गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव सरन, जीडीए के वीसी अनुज सिंह वहां पहुंचे और आटा, चावल, दाल आदि सहित अन्य सामग्रियों की वितरण की जानकारी हासिल की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव सरन ने कहा, आटा भिजवा रहे हैं। ये आटा लगभग 4 से 5 केजी का एक पैक है। इसके अलावा चावल का पैकिंग हो रहा है और दाल है। ये दाल लग 1 केजी का एक पैक, एक परिवार को ये पहुंच जाता है। ये 3 सामान। इसके अलावा किसी को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, किसी के मसाले नहीं होते हैं तो मसाले के लिए अलग पैकेट है। सोयाबीन मिल गया है, आलू मिल गया है, इस तरह के रिक्वायरमेंट को फ़ोन आता होगा इसके लिए। हाँ, हमारे पास फ़ोन आता है, लगभग 10 लड़के जो हैं फोन पे लगे रहते हैं और पर डे यहाँ पे 3000 से 4000 कॉल आते हैं। दो आदमी आइए, खाना उतरवाइए, चलिए। ये हम लोग लगभग 22 से 23 तारीख से शुरुआत किए थे और जो सबसे शुरुआत में हम लोगों ने पका हुआ भोजन देना शुरू किया था, उस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इधर उधर घूम रहे थे तो उनको खाना खिलाना शुरू किया था। और अब तो जिनके घरों में कच्चा राशन की भी कमी हो रही है, वो कच्चा राशन भी हम लोग दे रहे हैं। ये कच्चा राशन में चावल, दाल, आटा और आलू, कुछ लोगों को तेल, जिनकी तेल वगैरह की ज़रूरत होती है तेल देते हैं, मसाले देते हैं और काफ़ी जितनी जो रिक्वायरमेंट आती है वो हम लोग दे रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट हमें फ़ोन कॉल पे प्राप्त होता है। हमारे लगभग 10 लड़के हैं जो वॉलेंटियर्स हैं, ये फ़ोन पर डिमांड लेते हैं, उस डिमांड को फिर यहाँ से उस रूट बन जाता है तो विभिन्न गाड़ियों से भेजा जाता है। हमारे पास लगभग 10 ई रिक्शा तथा 3-4 जीप जैसे गाड़ी है। तो ये ई रिक्शा जो है, हमारे एक उद्यमी हैं, उनके पास 10 ई रिक्शा था, वो ई रिक्शा दे दिए, उपलब्ध कराया है और कुछ गाड़ियां हैं, तो इस गाड़ियों से हम लोग सामान दूर दराज क्षेत्रों तक भेज देते हैं। सर, अब तक कितना सप्लाई? ये इस किचन से हम लोगों ने लगभग 45,000 लोगों को खाना खिला चुके हैं और 3 से 3,500 लोगों को हम लोग कच्चा राशन भेज चुके हैं परिवारों को, क्योंकि एक परिवार के लिए पूरा 5 केजी आटा, लगभग 4 केजी चावल और 1 किलो दाल भेजते हैं। इसके अलावा आलू वगैरह भेजते हैं। शहर से अलावा भी कहीं से डिमांड आती है? शहर के अलावा दूसरे तहसीलों से डिमांड आती है तो उस डिमांड को SDM साहब के माध्यम से हम लोग भिजवा देते हैं। कब तक चलता है ये? जब तक लॉकडाउन है तब तक जरूर चलता रहेगा, आगे भी जरूरत होगा तो हम लोग चलाएंगे। गोरखपुर में किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को हम लोग भूखा सोने नहीं देंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ से जो सड़क पे जानवर है या कुत्ते हैं, बंदर हैं, इन लोगों को भी हम लोग कैटर कर रहे हैं। हमारे पास ब्रेड वगैरह आते हैं तो उस ब्रेड से हम लोग शाम को सभी लोगों को खिलाते हैं।